हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ फुल मेकअप किट। इस मेकअप किट में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश और मेकअप रिमूवर भी इंक्लूड किया है। तो अगर आप बिगनर्स हो या फिर आप अपनी मेकअप किट बनाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको जो भी प्रोडक्ट बताऊंगी वो सारे अच्छी क्वालिटी के तो है ही है, साथ में बजट में भी है। और सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से, और प्राइमर के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। जो पहला है वो है ब्लू हेवन का प्राइमर। इसकी एक्चुअल प्राइस 300 रुपीज है, लेकिन ये आपको अमेजन वगैरह पे 250 में इजीली मिल जाएगा। मेरे पास जो है ये अब पुराना वाला है, अभी एक नया वाला आया है, उसकी पैकेजिंग चेंज हुई है, सो कंफ्यूज मत होना। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप बिगनर्स हो और आप प्राइमर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल को भी एज ए प्राइमर की तरह यूज कर सकते हो। मेरे पास है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। इसका जो स्मॉल साइज है वो आपको 45 में मिल जाएगा, और जो बड़ा वाला साइज है वो आपको 90 में मिल जाएगा। आप जब भी एलोवेरा जेल लगाओ तो 5 से 10 मिनट तक वेट किया करो, ताकि आपकी स्किन में इजिली अब्जॉर्ब हो जाए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो बेस मेकअप के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो फाउंडेशन मैं रिकमेंड करूंगी वो है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन। मेरे पास एक ग्लास वाली बोतल है, तो इसकी एक्चुअल प्राइस 550 है, बट ये अमेजोन पे आपको 400 में मिल जाएगा। और इसमें मेरा शेड है 220 नेचुरल बीच। इसका एक स्मॉल साइज भी आता है 250 रुपीज में। इसकी जो कवरेज है वो मीडियम है, तो इससे आपके डार्क स्पॉट, पिंपल इजिली हाइड हो जाएंगे। अगर आप बिगनर्स हो और आप फाउंडेशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह की बीबी या फिर सीसी क्रीम ट्राई कर सकते हो। मेरे पास है लेक्मे की सीसी क्रीम, और इसमें मेरा शेड है हनी। इसका स्मॉल साइज आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। और पॉन्ड्स की बीबी क्रीम में मेरा शेड है 01 ओरिजिनल। इसका भी स्मॉल साइज आपको 100 रुपीज में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं कंसीलर की तरफ। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आपको कंसीलर में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फाउंडेशन होता है वो भी अच्छे से कंसीलर की तरफ वर्क करता है। बट आप स्पेंड करना चाहते हो कंसीलर में तो आप यूज कर सकते हो स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर। इसमें मेरा शेड है 04 मीडियम बीच। यह मेरी स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क शेड है, ताकि मैं अपने डार्क सर्कल वगैरह को इजिली हाइड कर सकूं। ये जो कंसीलर है ये बहुत ही अच्छा है, अफोर्डेबल है, और इसकी प्राइस 230 के अराउंड है। अमेजोन वगैरह पे आपको 180 में मिल जाएगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर भी ट्राई कर सकते हो। वेट एंड वाइल्ड के कंसीलर में मेरा शेड है लाइट मीडियम बीच। ये वाला जो शेड है ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है, तो मैं इसे एज ए हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह यूज करती हूँ। इसमें एक हल्का सा पीच अंडरटोन है, तो ये करेक्टर की तरह भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 400 के अराउंड इसकी प्राइस है, बट ये वर्थ है। आप देख सकते हो दोनों कंसीलर के शेड में डिफरेंस। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे पाउडर की तरफ। तो बिगनर्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी लेक्मे का रोज पाउडर विद सनस्क्रीन। इसमें मेरा शेड है सॉफ्ट पिंक। इसमें 2-3 शेड आते हैं, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और इसकी प्राइस है 160 रुपीज, तो अमेजोन वगैरह पे ये आपको 120 रुपीज में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा पाउडर है। इसको अप्लाई करने के बाद स्किन जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और इसका कवरेज इतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे पाउडर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको बनाना पाउडर सजेस्ट करूंगी। बनाना पाउडर्स बहुत अच्छे होते हैं गाइस, और ये किसका बनाना पाउडर है ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। ये बहुत ही सॉफ्ट है, स्मूथ है, इजिली ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही अच्छा बनाना पाउडर है ये। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे कंटोरिंग की तरफ। तो कंटोरिंग के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है। जो पहला है वो है वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कंटोरिंग पैलेट, और इसमें आपको दो शेड मिलेंगे, एक है बनाना और एक है ये वाला कंटोरिंग शेड। तो जो बनाना पाउडर था वो इसी पैलेट का था। इसका कंटोरिंग शेड भी बहुत अच्छा है, आपको एक बार ये पैलेट ट्राई करना चाहिए। बहुत सारे हाई एंड ब्रांड की ड्यूप है ये पैलेट। इसकी प्राइस 600 है, बट 600 में आपको दो शेड मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी पैलेट है, एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरह की मास्क की कंटोर की स्टिक ले सकते हो। इसके एक साइड आपको कंटोरिंग शेड मिलेगा, जो मैंने ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर दिया है, एज यू कैन सी गाइस। और दूसरी साइड आपको कंसीलर शेड मिलेगा। इसका जो कंसीलर का शेड है वो बहुत ज़रा लाइट है और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अगर आप कंसीलर के लिए इसे ले रहे हो तो बिल्कुल मत लेना, मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, कंटोर के लिए आप इसे ले सकते हो, 200 के राउंड इसकी प्राइस है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे ब्लश की तरफ।
तो बिगनर्स को ब्लश में इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई भी पिंक या फिर रेड लिपस्टिक है तो बहुत अच्छे से ब्लश की तरह काम करेगी। आप देख सकते हो गाइस, बस आपको थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करना है इसे। और अगर आपका बजट अच्छा है, आप ब्लश में इन्वेस्ट करना चाहते हो कोई से भी अच्छे ब्लश में, तो आप कलर बार का ब्लश ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही नेचुरल है। ब्लश में क्या होता है कि हम अप्लाई करते हैं तब तो रहता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद वो हमारे गालों से गायब हो जाता है। तो आप एक अच्छा ब्लश ट्राई करें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 700 के अराउंड इसकी प्राइस है, और इसमें मेरा शेड है 003 फ्लश्ड शेडिंग। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हाइलाइटर की तरफ। तो हाइलाइटर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर, और इसमें मेरा शेड है प्रीशियस पेटल। इसमें भी 2-3 शेड अवेलेबल है, तो आप अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही शेड लेना। मेरा जो ये वाला शेड है प्रीशियस पेटल, ये मेरी स्किन पे बहुत ही नेचुरल लगता है, और इसमें ज्यादा शिमरी पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है। एज यू कैन सी गाइस, बहुत ही नेचुरल ग्लो आता है, बहुत अच्छा हाइलाइटर है ये। 400 के अराउंड इसकी प्राइस है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे आई मेकअप की तरफ। तो आई शेडो पैलेट में मैं आपको रिकमेंड करूंगी स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट। इसकी प्राइस 230 रुपीज है, और इसमें मेरा शेड है 05। इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कलर में, तो आप ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल एंड अच्छी पैलेट है ये। इसमें आपको मेट और शिमर दोनों शेड मिलेंगे, और दोनों ही पिगमेंटेड है। मेट ज्यादा पिगमेंटेड है शिमर से। आईब्रो पेंसिल के लिए आप कोई भी लोकल आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो, बस आपका शेड जो हो वो डार्क ब्राउन होना चाहिए। ब्लैक मत लेना, क्योंकि वो बहुत ही फेक लगता है। मेरे पास है ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो पेंसिल, और ये 45 रुपीज में आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट ट्राई कर सकते हो। इसमें मेरा शेड है एश ब्राउन। इसमें जो व्हाइट कलर का दिख रहा है ये वैक्स है, इससे आप आईब्रो को सेट कर सकते हो, और आपको 2 आईब्रो के कलर मिलेंगे, दोनों ही पिगमेंटेड है। इसके साथ आपको ब्रश भी मिलेगा, आपको स्पूली भी मिलेगी, और इस पैलेट में आपको मिरर भी मिलता है। तो इसकी प्राइस 400 या फिर 500 के अराउंड है, आप एक बार ट्राई करना। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे आईलाइनर एंड काजल की तरफ। तो लाइनर में मैं आपको रिकमेंड करूंगी लेकमी का इंस्टा लाइनर, बहुत ही अच्छा लाइनर है। 120 के अराउंड इसकी प्राइस है, सो एक बार जरूर ट्राई करना। मैं काजल की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, मैं बहुत ही कम काजल यूज करती हूँ। तो ये मेरे पास है मलाइयो का काजल, ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज किया था, मुझे इसकी प्राइस याद भी नहीं है, लेकिन ये अच्छा काजल है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर आप एक अच्छा देख रहे हो तो आप प्लम का काजल ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मस्कारा की तरफ। तो मेबलिन के जो मस्काराज है वो बेस्ट है, आप एक बार मस्कारा ट्राई करना मेबलिन का। 250 के अराउंड इनकी प्राइस है। मेरे पास है मेबलिन का हाइपरकल मस्कारा। अगर आप आईलेशेस कलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वेगा का आईलेशेस कलर ले सकते हैं, 180 के अराउंड इसकी प्राइस है। बहुत ही अच्छा आईलेशेस कलर है ये। लिपस्टिक के लिए बहुत सारी रेंज है, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 लिपस्टिक रिकमेंड करूंगी। एक न्यूड लिपस्टिक जो आप एवरीडे के लिए यूज कर सकते हो, और एक थोड़ी सी डार्क रेड कलर की लिपस्टिक जो आप फेस्टिव या फिर पार्टी के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप लिप लाइनर ढूंढ रहे हो बजट में, तो मिस क्लेयर का लिप लाइनर अच्छा है। इसमें मेरा शेड है रोमांटिक पिंक। इसमें कम से कम 50-60 शेड है, तो आपको आपकी लिपस्टिक का शेड इजीली मिल जाएगा, और अच्छा लिप लाइनर है ये, और इसकी प्राइस भी 60 रुपीज के अराउंड है, तो बहुत ही अफोर्डेबल लाइनर है ये। न्यूड लिपस्टिक में मेरे पास जो पहली लिपस्टिक है वो है 660 टच ऑफ स्पाइस। ये एक मोविश पिंकिश टाइप ऑफ शेड है, और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे अच्छे से सूट करेगा। ये इसे आप एज ए ब्लश की तरह भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मेरे पास है नायका की मिनी लिपस्टिक, 200 के अराउंड इसकी प्राइस है, और ये मुझे ऑफ में मिली थी 150 रुपीज में। इसमें मेरा शेड है 11M। ये एक पीचिश पिंकिश शेड है, आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। मैं आपको न्यूड के लिए ऑप्शन बता रही हूँ, आप इसमें से कोई भी एक लिपस्टिक ट्राई कर सकते हो जो शेड आपको अच्छा लगे। ये दोनों जो लिपस्टिक है ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे जाएगी। फॉर माई डस्कीज ब्यूटीज आई हैव वेट एंड वाइल्ड की लिपस्टिक, और इसमें जो मेरा शेड है वो है गिव मी मोका। डस्की स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छा न्यूड शेड है ये। ये शेड सारे स्किन टोन पे जाएगा, बट डस्की स्किन टोन के लिए न्यूड शेड है। ये एक डार्क ब्राउन शेड है, आप देख सकते हो, और इसका जो कवरेज है वो शीयर है, एज यू कैन सी गाइज। आप इसे बिल्ड भी कर सकते हो, यहाँ पे ये मैंने डबल कोट अप्लाई करी है इसकी, आपको हल्का सा डार्क ब्राउन दिख रहा होगा अब ये। और मैं आपको बाकी लिपस्टिक के कंपेयर करके बताती हूँ इसको। आप देख सकते हो थोड़ा सा डार्क शेड है ये, तो डस्की स्किन टोन वालों के लिए मैं यही शेड सजेस्ट करूंगी। नेक्स्ट मेरे पास है मेबलिन की 691 रिच रूबी। ये वाला जो शेड है ये आप फेस्टिव या फिर किसी भी शादी पार्टी में ट्राई कर सकते हो। एक डार्क रेड कलर का शेड है ये, तो आप सिर्फ 2 लिपस्टिक ही ट्राई करना, एक न्यूड लिपस्टिक और एक फेस्टिव या फिर शादी पार्टी के लिए। आपको बहुत ज्यादा लिपस्टिक में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ये सारे शेड यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ एक बार।
नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे सेटिंग स्प्रे की तरह, और सेटिंग स्प्रे में मैं आपको रिकमेंड करूंगी वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे। आप एक अच्छे सेटिंग स्प्रे में ही इन्वेस्ट करना। मैंने बहुत सारे सेटिंग स्प्रे यूज करे बट मेरे को ये अच्छा लगा। इसके प्राइस 499 के अराउंड है, और आप देखो यहाँ पे मैंने जो भी कंसीलर और लिक्विड लाइनर अप्लाई किए हैं, मैंने वहाँ पे इसे अप्लाई किया है। इसकी फिनिशिंग इतनी ड्यूई नहीं है, ये लाइट की वजह से आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मेकअप रिमूवर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर, अगर आपका बजट अच्छा है तो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये छोटी सी बोतल भी 400 के अराउंड प्राइस है, और इसकी जो फुल बोतल आती है वो 1000 या 900 रुपीस की आती है। लेकिन ये मेकअप रिमूवर अच्छा है, आपके मेकअप को इजिली रिमूव कर देगा, एज यू कैन सी गाइस। लेकिन अगर आपका बजट इतना नहीं है तो आप गार्नियर का मेकअप रिमूवर ट्राई कर सकते हो, वो आपको 200 या फिर 150 में मिल जाएगा, और वो भी एक बहुत ही अच्छा मेकअप रिमूवर है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है गाइस, सो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी अगर आपका बजट इतना अच्छा नहीं है तो। ब्रश के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी BH कॉस्मेटिक के मेकअप ब्रश। जब भी आप ब्रश लो तो आप एक अच्छी क्वालिटी के ब्रश लो, रिजल्ट्स निकल जाते हैं, तो हमेशा एक अच्छी क्वालिटी के ब्रश लें। इसमें आपको टोटल 13 मेकअप के ब्रशेस मिलेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्यूटी ब्लेंडर के लिए आप कोई भी लोकल मार्केट से ब्यूटी ब्लेंडर परचेस कर सकते हो 30-40 रुपीस में। मेरे पास जो है ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, अगर इसका लिंक मिला मुझे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइज़।